तो शुरुआत उस खबर से जहां जापान और हिंदुस्तान एक साथ एक जगह पर देख रहे हैं। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे इस समय भारत में हैं और आज उनके दौरे का है दूसरा दिन। दोनों देशों के बीच शिखर वार्ता होनी है। शिंजो आबे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और मोदी के साथ मुलाकात करेंगे और आज शिंजो आबे प्रधानमंत्री मोदी दोनों लोग वाराणसी में होंगे। वो यहां पर गंगा आरती का भी नजारा लेंगे और साथ ही ये भी तस्दीक होगी कि कैसे काशी क्योटो बनेगा। जापान का क्योटो शहर सांस्कृतिक धार्मिक लिहाज से जापान के लोगों के दिल में बसता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अपना काशी है। आपको बता दें कि आज शिंजो आबे का ये दूसरा दिन है जब वो भारत में अपनी यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। 98,000 करोड़ रुपए बुलेट ट्रेन हिंदुस्तान अहमदाबाद मुंबई, ये पहला रेल रूट भारत सरकार ने तय किया है जिस पर जापान मदद करेगा। 98,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बुलेट ट्रेन का जो सफर है उसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसके करार होने की बात कही जा रही है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के भारत दौरे का आज दूसरा दिन है। आज भारत जापान के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच बीते एक साल में व्यापार और निवेश से जुड़े फैसलों की समीक्षा भी की जाएगी। आज जापान के पीएम शिंजो आबे मोदी के साथ वाराणसी जाएंगे, गंगा आरती में शामिल होंगे। किसी देश के प्रधानमंत्री का यह पहला वाराणसी दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले अगस्त में जापान गए थे, उस दौरान वो प्रसिद्ध सांस्कृतिक शहर क्योटो भी गए। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी का क्योटो की तर्ज पर विकास करना चाहते हैं। इससे पहले शुक्रवार को भारत पहुंचे प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत और जापान के रिश्ते और मजबूत होने और आपसी सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई। प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मुलाकात की। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे जेएनयू भी गए जहां उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से नवाजा गया। तमिलनाडु में आई बाढ़ से हुई तबाही पर उन्होंने दुख भी जताया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे का भारत दौरा बेहद अहम है। प्रधानमंत्री शिंजो आबे के दौरे में निवेश और व्यापार से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हो सकती है। दोनों देशों के बीच जिन समझौतों को अमली जामा पहनाया जा सकता है उसमें मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के लिए समझौता हो सकता है। पहली बुलेट ट्रेन 2024 तक मुंबई और अहमदाबाद के लिए चलाए जाने का प्रपोजल है। 98,000 करोड़ रुपए के बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट को शुरू करने पर अंतिम मुहर लग सकती है। मिलिट्री सूचना को गोपनीय रखने को लेकर समझौता हो सकता है जिसके बाद भारत में जापान के हथियार बेचने का रास्ता साफ होगा। इन हथियारों में समुद्री जहाज भी शामिल होंगे। जापान भारत के साथ US-2 एम्फिबियस एयरक्राफ्ट को लेकर करार करना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो हथियारों की बिक्री पर 50 साल तक लगी रोक हटने के बाद यह जापान का पहला रक्षा सौदा होगा। डिफेंस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और मिलिट्री टेक्नोलॉजी में साझेदारी को लेकर भी करार हो सकता है। जापान शिंजो आबे की इस यात्रा के दौरान भारत से दो बड़े रक्षा समझौते की उम्मीद कर रहा है। वाराणसी को स्मार्ट सिटी बनाने की डील सील हो सकती है। काशी क्योटो प्रपोजल के तहत पिछले साल जो समझौते हुए थे उसकी समीक्षा की जाएगी। दोनों देशों के बीच सिविल न्यूक्लियर डील पर मुहर लग सकती है। जापानी भाषा के प्रोत्साहन के लिए दोनों देशों के बीच समझौता हो सकता है। और आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर के बाद यानी 9 बजे जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे दिल्ली के होटल ताज पैलेस में बिजनेस लीडर्स फोरम में हिस्सा लेंगे। 10:15 बजे राष्ट्रपति भवन में प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी और जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे हैदराबाद हाउस में मिलेंगे। दोनों देशों के बीच डेलीगेशन स्तर की यहां बातचीत होगी। 12 बजे समझौतों पर दस्तखत होंगे, प्रेस स्टेटमेंट जारी होगा। 3:05 पर वाराणसी के लिए दोनों लोग रवाना होंगे। 4:25 पर पहुंचेंगे वाराणसी एयरपोर्ट जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे। शाम 5:45 पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। रात करीब 9 बजे वाराणसी से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे शिंजो आबे। बारह दिसंबर इतिहास में भारत जापान मैत्री संबंधों को लेकर जाना जाएगा।
शाम की आरती में शिंजो आबे और मोदी दिखेंगे, लेकिन सुबह की शुरुआत भारत जापान के संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से हुई। सुबह बनारस में संगीतमय प्रस्तुति भी जापान के कलाकारों ने दी है। नाव सुजुकी ने सुबह बनारस की शुरुआत गणेश वंदना से की। सुबह बनारस का मंच और आरती स्थल भी भारत जापान संबंधों को ध्यान में रखकर बनाया गया। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर जापान की, ये सुबह बनारस है यानी गंगा घाट पर, जो मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद सुबह बनारस की शुरुआत हुई। वैसे तो वाराणसी के घाटों पर शाम की आरती ही प्रसिद्ध हुआ करती थी, गंगा आरती, लेकिन अब सुबह का नजारा भी यहां पर देखने लायक होता है। और इन सुरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल के तार जब झनकते हैं तो फिर रिश्ते कैसे हिलोरे मारते हैं। बारह दिसंबर इतिहास में भारत जापान मैत्री संबंधों के लिए याद किया जाएगा। 12 दिसंबर यानी आज के दिन जापान के राष्ट्र प्रमुख शिंजो आबे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी आ रहे हैं और उसकी जो शुरुआत हुई है वो भारत जापान मैत्रीय संबंधों को और मजबूत किया जा सके इसको लेकर गंगा आरती के साथ हुई है। गंगा आरती के बाद इस समय आप देखिए सुबह बनारस के मंच पर जापान के जो कलाकार हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। नाव सुजुकी इस वक्त यहाँ अपना गायन प्रस्तुत कर रही हैं, गणेश वंदना ये प्रस्तुत कर रही हैं और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ऋत्विक सान्याल से ये संगीत की शिक्षा ले रही हैं। भारत जापान के बीच जो मैत्रीय संबंध है इसको और बेहतर किया जा सके, इसको और मजबूत बनाया जा सके, इसको लेकर ये तमाम कवायद चल रही है। सुबह बनारस ने आज अपने पूरे कार्यक्रम की थीम को जापान भारत के बीच के संबंधों के आधार पर रखा है। आप देखिए कि पूरा जो मंच है सुबह बनारस का उसको इंडो जापान रिलेशनशिप के थीम पर बनाया गया है। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगे। आरती से पहले आबे वाराणसी के प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर भी जाएंगे। मोदी और आबे के नाव पर चर्चा का भी कार्यक्रम है। पूरा शहर प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे के होर्डिंग से पटा पड़ा है। हर सड़क हर गली शिंजो मोदीमय हो गई है। जगह जगह स्वागत के पोस्टर लगे हुए हैं। काशी शिंजो आबे के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। लोगों को प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे का इंतजार है। काशी दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और शिंजो आबे गंगा आरती में शामिल होंगे। इसके लिए दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की तैयारियां पूरी की गई हैं। घाट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं, जगह जगह सुरक्षा बल तैनात हैं। इसके अलावा आसपास भी सुरक्षा घेरा तैयार। 54 साल बाद ये पहला मौका है जब कोई वर्ल्ड लीडर वाराणसी की यात्रा कर रहा है। पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी की जापान यात्रा के दौरान क्योटो की तर्ज पर काशी को विकसित करने का समझौता हुआ था। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे और मोदी के स्वागत के लिए काशी में सुरों का संगम होगा। काशी के गंगा के किनारे काशी के कलाकार और जापानी सैलानियों ने दोनों देशों के संबंधों को सुरों में बांध दिया। दोनों देश के मेल मिलाप से चहका है जापान, दोनों देश के मेल मिलाप से चहका है जापान। तो काशी आएंगे, हो काशी आएंगे, मोदी शिंजो मिल के करेंगे गंगा मैया का ध्यान। काशी आएंगे, शिंजो मोदी मिल के करेंगे मैया गंगा का ध्यान। अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं वाराणसी से, हमारे संवाददाता। अमित, मेरे ख्याल से इस पीढ़ी ने तो शायद ही कभी देखा हो कि जब फॉरेन का कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आता है, राष्ट्र प्रमुख आता है, तो वो दिल्ली से आगे शायद ही जाता हो। अगर जाता भी था तो वो बैंगलोर या और किसी जगह, मुंबई चला जाता था। लेकिन आप देखिए कि चीन के जब राष्ट्रपति आए तो वो अहमदाबाद से यात्रा शुरू करते हैं। ये ठीक है कि शिंजो आबे दिल्ली आए लेकिन वाराणसी में भी उनका कार्यक्रम लगा है। क्या आप महसूस कर रहे हैं कि वाराणसी अपनी तरह से एकाएक एक करवट ले रहा है, एकदम से बदल रहा है?
देखिए निश्चित रूप से वाराणसी एकाएक महत्वपूर्ण हो गया है शेखर, जो आपने कहा, नहीं तो इसके पहले चीनी प्रमुख जब जिनपिंग भारत आए थे तो वो अहमदाबाद गए थे, प्रधानमंत्री जी उनको अहमदाबाद लेके गए थे। उसके पहले भी जितने भी बड़े राष्ट्रनेता आए या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो लोग आए वो दक्षिण भारत या पश्चिमी भारत के शहरों को प्रमुखता देते थे, लेकिन पहली बार यानी 1961 के बाद पहली बार कोई इतना बड़ा नेता बनारस आ रहा है और उसके स्वागत में पूरा शहर तैयार खड़ा है। आज सुबह बनारस की जो शुरुआत हुई वो भारत जापान मैत्री संबंधों की पराकाष्ठा यहां देखने को मिली, जब जापानीज जो कलाकार थे और उसमें भी नाओ सुजुकी जो खुद क्योटो से ताल्लुक रखती हैं, उन्होंने गणेश वंदना से आज के कार्यक्रम की उन्होंने शुरुआत की। हमारे साथ सुबह बनारस के जो सचिव हैं रत्नेश वर्मा जी वो मौजूद हैं। रत्नेश जी, आज के दिन सुबह बनारस के जरिए आप संदेश क्या देना चाहते थे क्योटो के कलाकार से आपने परफॉर्म कराया? हम लोगों का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम लोग विश्व बंधुत्व और मानव अस्तित्व के लिए कार्य सुबह बनारस हो रहा है। विशेष करके जो जापानीज़ जो इनके विश्वास आस्था है वो भारतीय विश्वास आस्था से बहुत नज़दीक है। हम लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग एक ही परंपरा के लोग, शांति प्रिय देश लोग एक दूसरे के समीप आ रहे हैं और सुबह बनारस का जो उद्देश्य जो एक वर्ष से निरंतर चल रहा है वही उद्देश्य जापानीज शिंटोइज्म का है, जो शिंटो धर्म का है वही सारी बेसिक्स हैं। यह स्वतः स्पष्ट हो गया कल से जब हम लोगों ने उनके बारे में ज़्यादा जाना, क्योंकि जापानीज लोग बहुत यहाँ पे आना शुरू हुए हैं तो हम लोगों ने उनसे इंटरेक्शन किया और ये जाना कि वो उनका फेथ क्या क्या है। तो यह एक सुखद आश्चर्य था कि सुबह बनारस और जापान के जो शिंटोइज्म है दोनों एकदम समान है, तो एक बहुत अच्छी बात है। और आज काशी जैसे कि पारंपरिक रूप से हम अतिथियों का स्वागत करते हैं तो हमारे जापान के प्रधानमंत्री आ रहे तो उनका बहुत बहुत स्वागत है और सारे तबके के लोग एक बड़े उत्साह के साथ उनका इंतजार कर रहे हैं। आज 120 देशों में गंगा आरती का सजीव प्रसारण दिखाया जाएगा। मुझे बताइए, गंगा आरती वैसे भी दुनिया में प्रतिष्ठित है, फेमस है, लेकिन 120 देश के लोग आज गंगा आरती देख रहे होंगे, बनारस के लोग क्या सोच रहे हैं? बनारस के लोग बहुत उत्साहित हैं इस उनकी इस यात्रा को लेके, क्योंकि मोदी जी ही जब यहाँ से आए तो बहुत हम लोग उत्साहित थे, लेकिन अब उनको लेके आ रहे हैं जापान के प्रधानमंत्री को तो हम लोग और उत्साहित हैं। और यहाँ की आरती तो ऐसे भी सारा देश देखता है लेकिन आज कुछ स्पेशल होगा और पूरा देश यहाँ की स्पेशलिटी देखेगा। देखिए शेखर, जब क्योटो गए थे प्रधानमंत्री तो उनको शिंजो आबे अपने यहाँ फिलोसफिकल गार्डन दिखाने ले गए थे क्योंकि वो वहाँ की यूनिक स्पेशलिटी थी और गंगा आरती हमारी अपनी विशेषता है उसको दिखाना चाहते थे प्रधानमंत्री मोदी और विशेष तौर पर गंगा आरती दिखाने के लिए वो बनारस लेकर आ रहे शिंजो आबे को, तो इसको लेकर पूरा बनारस तैयार है। और अगर मैं कहूं कि पिछले 48 घंटों से इंडो जापानीज रिलेशनशिप का जो कंपोजिट कल्चर है वो बिल्कुल साफ साफ निकलकर आप देख सकते हैं पूरे शहर में सामने आ गया है। जी बहुत शुक्रिया अमित इन जानकारियों के लिए, इस अपडेट के लिए। दिन भर हम आपके पास आते रहेंगे और हर घंटे आपसे ताजा अपडेट्स लेते रहेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब इस तरीके की कवायद होती है तो एक नेशन प्राइड भीतर से पैदा होता है, राष्ट्र पे जो प्रेम है वो छलक कर बाहर आता है। और कम से कम मौजूदा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं उससे 125 करोड़ का हिंदुस्तान कम से कम इस बात को तो सोच रहा है कि हां, अगर हम हिंदुस्तानी हैं तो दुनिया में हमारी धमक चमक किस तरीके की है इसके नजारे कभी अहमदाबाद कभी वाराणसी से दिखाई देते हैं, वरना कभी दिल्ली और मुंबई ही सिमटा हुआ एक भारत रह जाता था। मौसम ने एक बार फिर से करवट ली है, एक अंधाधुंध बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर में लगातार बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को कल बंद करना पड़ा। दूसरी तरफ कश्मीर को राजौरी से जोड़ने वाला मुगल रोड भी बंद कर दिया गया है। दोनों ही सड़कों पर ट्रकों और कारों की लंबी कतारें हैं। हालांकि बनिहाल रेलवे लाइन पर बर्फ का असर नहीं पड़ा है। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी से तापमान नीचे चला गया है। शिमला में पूरे दिन बारिश होती रही। मनाली में बर्फबारी से सैलानियों के चेहरे खिल गए। मनाली में 6 इंच तो सोलंग में 1.5 फीट और रोहतांग में 4 फीट बर्फ गिरी है। मौसम विभाग ने अगले 36 घंटे तक केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी और बारिश की चेतावनी दी है। केदारनाथ में बर्फबारी हो रही है। इसके साथ ही रुद्रप्रयाग और चमोली में भी आज बर्फ गिरने और बारिश की संभावना है।
दिल्ली में देर रात राजपथ और इंडिया गेट के पास 6 कारें आपस में भिड़ गईं। पहले करीब 11:30 बजे इंडिया गेट और अभी मार्ग की तरफ से आ रही SF4 और होंडा सिटी कार की टक्कर हुई। इसके बाद तेज रफ्तार ऑडी ने पहले एक PCR वैन को, उसके बाद ऑल्टो को और स्विफ्ट को टक्कर मार दी। इस घटना में करीब 6 लोग घायल हो गए, जिनमें एक दिल्ली पुलिस का SI भी शामिल है। ऑडी का ड्राइवर टक्कर मारकर फरार हो गया। पुलिस अब पूरे केस की जांच कर रही है। NCP नेता शरद पवार ने सोनिया पर बड़ा हमला बोला है। पवार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है कि सोनिया किसी स्वतंत्र सोच वाले की PM को PM नहीं बना सकती थी, इसलिए 1991 में PM पद की दौड़ में वो पिछड़ गए। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लाइफ ऑन माय टर्म्स फ्रॉम द ग्रासरूट्स एंड द कोर्ड्स ऑफ पावर में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पवार ने लिखा कि स्वतंत्र सोच वाले शख्स को सोनिया गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बना सकती। पवार के मुताबिक सोनिया की इसी सोच की वजह से वो प्रधानमंत्री पद की दौड़ में PV नरसिम्हा राव से पिछड़ गए। किताब में पवार ने दावा किया कि राजीव गांधी के निधन के बाद गांधी परिवार के चाटुकारों ने सोनिया के मन में ये बातें भर दी कि शरद पवार लंबी रेस का घोड़ा है और ये गांधी परिवार के हित में नहीं। गुरुवार को पवार की ये किताब PM प्रेसिडेंट और सोनिया गांधी की मौजूदगी में लॉन्च हुई। कानपुर के चकेरी इलाके में नेशनल बास्केटबॉल खिलाड़ी आरजू शुक्ला ने खुदकुशी कर लिया। आरजू के परिजनों ने उसके दोस्त दीपक शंखवार पर आरोप लगाया है। आरजू के भाई ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी की थी। इधर पुलिस इसे प्रेम प्रसंग का मामला बता रही है। पुलिस का कहना है कि दोनों परिवारों के बीच थाने में समझौता भी हो गया था। कहा यह भी जा रहा है कि दीपेश शंखवार के पिता लखीमपुर खीरी में दरोगा हैं, इस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि केस की तफ्तीश कर कार्रवाई की जाएगी। आरजू शुक्ला ने इसी साल गुजरात में नेशनल बास्केटबॉल टूर्नामेंट में दूसरा स्थान पाया था। ट्वेल्थ में पढ़ता है, इसी के साथ इसको परेशान करता था, तो इसी वजह से ये सब हुआ है। मेरे घर में कल घुसा आया था, तो जिस पर मैंने पकड़ा तो मैंने मारा उसको, उसके बाद मैंने मुकदमा लिखाया तो जो है पुलिस के पास। दोनों के बीच प्रेम चल रहा था और लड़की ने इस FIR लिखवाने का विरोध किया। बाद में दोनों लड़का और लड़की के परिजन थाने पर आए, उन्होंने आपसी समझौता भी कर लिया, लेकिन लड़की को फिर भी मेडिकल जांच के लिए भेजा गया, जहां पर उसने इनकार कर दिया मेडिकल करवाने से और वो काफ़ी इस बात से काफ़ी डिप्रेशन में थी और उसने अपने घर में सुसाइड कर लिया। आज देहरादून में IMA की पासिंग आउट परेड सेरेमनी होनी है। आज IMA के 519 युवा सैन्य अधिकारी निकलेंगे, जिनमें भारतीय सेना को 469 युवा सैन्य अधिकारी मिलेंगे। वहीं 8 मित्र देशों की सेनाओं को भी 50 सैन्य अधिकारी मिलेंगे। सोनू सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, बताइए किस तरह की तैयारियां वहां पर आप देख रहे हैं, और चूंकि ये एक रूटीन प्रोसीजर है, लेकिन जब ये होता है हर साल तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं और कोई भी हिंदुस्तानी इस बात को अपने दिल के बहुत करीब महसूस करता है। बिल्कुल ठीक कहा शेखर आपने। निश्चित तौर पर ये जो दृश्य होता है एक अलौकिक नज़ारा होता है, मन को मोहने वाला होता है, जब एक नौजवान युवा अपनी परेड के अंतिम पग को पार कर रहा होता है और एक जानी मानी हस्ती उनकी परेड की अंतिम सलामी लेने के लिए आते हैं। कड़ी मेहनत की जाती है और उसके बाद फिर अंतिम पग जब परेड का पार किया जाता है। आज के दिन बात करें तो जो थल सेना अध्यक्ष है दलवीर सिंह सुहाग, वो आज यहाँ पर जो नौजवान पास आउट हो रहे हैं उनकी परेड की सलामी लेने के लिए
परेड का निरीक्षण करने के लिए बतौर रिव्यूइंग ऑफिसर, जिसको हम मुख्य अतिथि कह सकते हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। वो यहाँ पर परेड की सलामी लेंगे और सुरक्षा के चाक चौबंद प्रबंध किए गए हैं, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया और तमाम जो सैन्य अधिकारी बन जाएंगे अब से कुछ देर बाद, जो आर्मी का हिस्सा बन जाएंगे, देश की आन बान शान के लिए जो ओथ लेने वाले हैं, वो तमाम नौजवान जो है वो बिल्कुल खड़े हैं। वो अंतिम परेड के अंतिम पग को पार करने के लिए, उनकी सलामी लेने के लिए मुख्य अतिथि यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और खास बात यह है कि उनके जो परिजन है, अपने लाडले के कंधे पर सितारे लगते हुए देखने के लिए वो भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बहुत शुक्रिया सोनू इन जानकारियों के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि वो बेहद शानदार और गर्व से वाकई सीना 56 इंच का कर देने वाला नजारा आप हमारे दर्शकों को भी भेजते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।